चोरी के मोबाइल फोन का IMEI नंबर कैसे बदलकर बेचा जाता है। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस के अधिकारियों ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर किया इसका खुलासा। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारियों ने चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर उसका IMEI नंबर बदलने के बाद दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ लगभग 15,88,800 रुपए का माल जब्त। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारियों ने 162 मोबाइल फोन चोरी के वारदातों के साथ एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर उसका IMEI नंबर बदलने का काम करते थे। IMEI नंबर बदलने के बाद दूसरे राज्यों में उसी चोरी के मोबाइल फोन को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान गोवंडी के शिवाजी नगर में छापा मारी। शिवाजी नगर के 3 मोबाइल की दुकानों में छापा मारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक लैपटॉप, 162 चोरी के मोबाइल फोन, लगभग 15,88,800 रुपए का माल पंचनामे के तहत जब्त किया। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत खोड़े ने बताया कि इसकी गुप्त जानकारी मिली थी। मुखबिर ने बताया कि एक व्यक्ति अपने साथियों की मदद से चोरी के मोबाइल फोन खरीदकर उसका IMEI नंबर बदलकर ऊंचे दाम में बेचने का काम कर रहा है। इसकी और अधिक तहकीकात की गई तो पता चला कि आरोपी शिवाजी नगर के 3 जगहों पर मोबाइल की दुकानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां लैपटॉप के जरिए मोबाइल फोन के IMEI नंबर बदलने का काम किया जाता है। 29 जुलाई को एक साथ 3 दुकानों पर पंचों को लेकर छापामारी की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस हिरासत में जांच के आदेश दिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के और कितने साथी इस कारोबार में इनका साथ दे रहे हैं, इसके पहले इन लोगों ने कितने मोबाइल फोन कहां से खरीदे और कहां बेचे, इसको लेकर मामले की अभी और अधिक तहकीकात मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 6 के अधिकारी कर रहे हैं। जांच के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।